सो गाइस, तुम लोग क्रीपर के बारे में तो जानते होगे। हाँ, वही क्रीपर जिससे तुम्हारी, मेरी और माइनक्राफ्ट के सभी प्लेयर्स की अलग ही एक दोस्ती है। सो आज हम इसी प्राणी के बारे में कुछ फैक्ट्स जानने जा रहे हैं। सो यार, लेट्स गेट स्टार्टेड। और तू पहले मेरे को घूरना बंद कर भाई, मैं जा रहा हूँ। नंबर वन, क्या आप लोग जानते हो कि क्रीपर माइनक्राफ्ट का सबसे पहला मोब है? यस, वो सबसे पहला मोब है जिसे कि गलती से क्रिएट कर दिया था नॉच ने। एक्चुअली वो पिक बना रहा था, लेकिन उसने लेंथ की गड़बड़ी की, लेंथ इधर हुई, ब्रेड्थ उधर हुई, और हमारे सामने आया एक अजीब क्रिएचर जिसका नाम है क्रीपर। एक्चुअली जब ये पहली बार हमारे गेम में आया था तो बिल्कुल डार्क ग्रीन दिखता था, बाद में इसको चेंज किया गया लाइट ग्रीन जो कि ग्रास ब्लॉक जैसा दिखता है अभी। फैक्ट नंबर टू, क्या आप लोग जानते हो टीएनटी की तरह पानी में क्रीपर से कोई डैमेज नहीं होता, ना ही उससे ब्लॉक टूटते हैं। ये देखो, मुझे डैमेज तो हुआ लेकिन मेरे हार्ट्स नहीं गए। और वहीं अगर हम ही अगर कोई क्रीपर लैंड से हमारे सिर पे फूटता है तो देखो कितना डैमेज मिलता है। आनो, ये बहुत ही अजीब बात है, मैं भी कंफ्यूज हूँ। सो नाउ फैक्ट नंबर थ्री, इसके लिए तुम्हें एक ट्राइडेंट चाहिए होगा जिस पे तुम्हें चैनलिंग लगानी पड़ेगी। थंडर के, अगर हम थंडर के टाइम पे एक क्रीपर को चैनलिंग वाले ट्राइडेंट से मारते हैं तो वो चार्ज क्रीपर बन जाता है। और क्या लोग तुम लोग जानते हो, चार्ज क्रीपर सबसे ज़्यादा डैमेज करता है पूरे माइनक्राफ्ट के मॉब के मुकाबले। हाँ, एंडर ड्रैगन भी उसके आगे कुछ नहीं है, ना ही विदर। सो अब एक बोनस फैक्ट, क्या तुम लोग जानते हो क्रीपर ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है? तो तुम लोग भी कर दो, ये चैनल अच्छा है।